हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सीएल चौधरी आज अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने मांग की नियम की व्याख्या किया था कि यदि कीमत बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है कि बढ़ती है, और कीमत को स्थिर रखने के बाद अन्य कीमत अन्य जो वेरिएबल हैं जैसे इनकम, रुचि, स्वाद, इन सब में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगभोक्ता के व सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या। यहाँ उपयोगिता होगा, सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या क्या है? पहला, संतुलन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, संतुलन किसे कहते हैं? जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान होती है वही संतुलन का बिंदु कहलाता है। जहाँ से विचलन कर पाना, कंज्यूमर का विचलन कर पाना संभव ना हो। तो आज हम बात करेंगे दो वस्तुओं के संबंध में कि उपभोक्ता किस तरह से संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अगली जो हमारी बात होगी, दो या दो से अधिक वस्तुओं के स्थिति में संतुलन की व्याख्या। तो इसमें जानना है सम सीमांत उपयोगिता की स्थिति में संतुलन में होगा दोनों वस्तुओं पर किए गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीमांत का मतलब होता है कि जैसे कोई दो वस्तु हो जाए एक्स और वाई, तो अंतिम जो अंतिम इकाई पर किया गया व्यय है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि उपभोक्ता संतुलन में किस स्थिति में होता है। तो जैसे यम यू यक्स बटे पी यक्स इजिकल टू यम यू वाई बटे पी वाई, जहाँ पर एक्स वस्तु की मार सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की, अब इसी तरह कुछ भी हो सकता है इधर, जैसे इस तरह बना लीजिए एम यू जेड बटे जेड पी पी जेड, तो मतलब इस तरह से बराबर जहाँ पर ये दोनों से समान संतुष्टि प्राप्त होगी वही स्थिति उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति कहलाएगी। अब इसे हम डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे संतुलन में होता है। यही प्रश्न में आएगा आपकी परीक्षा में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या क्या आएगा, हम उसी की चर्चा करते हैं। जैसे दो वस्तु हैं, इधर एक्स ले लीजिए, इधर वाई ले लीजिए, वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स, एम यू एक्स एम यू वाई। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आप ए ले लीजिए, यहां पर एक्स वन एक्स टू ले लीजिए, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू ले लीजिए, यहाँ पर एक्स वस्तु है, यहाँ पर वाई वस्तु है। ध्यान से चीजों को समझिए, एम यू एक्स बटे पी एक्स, एम यू वाई बटे पी वाई, और एक्स एक्स वन से एक्स टू पे जाना, यहाँ पे एक्स वन से एक्स टू पे जाना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर उपभोक्ता एक वस्तु को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से उसको एक वस्तु की मांग में कमी लाना पड़ेगा,
यदि उपभोक्ता एक वस्तु की मांग को बढ़ाता है तो एक वस्तु की मांग में जैसे इधर देखिए कमी लाएगा, ऐसे जाएगा, इधर क्या करेगा वृद्धि करेगा। तो एक उपभोक्ता जो है एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए, अगर इसकी मांग को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से इसकी मांग को घटाएगा, और इसकी मांग को घटाता है तो निश्चित रूप से इसकी मांग को बढ़ाएगा। इस तरह उपभोक्ता का जो संतुलन होगा वो होगा एम यू एक्स बटे पी एक्स इजकल टू एम यू वाई बटे पी वाई इजकल टू एम यू जेड बटे एम यू जेड। ये प्रश्न पिछली बार प्रवक्ता में टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। कहने का मतलब जहाँ पर एक्स वस्तु के अंतिम अंतिम सीमान का मतलब होता है अंतिम, जो अंतिम इकाई से उपभोक्ता के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे 10 मजदूर किसी काम को कर रहे हैं, उत्पादन 100 केजी हो रहा है, और फिर 11वां मजदूर उसी काम में लगा दिया गया, तो 11वें मजदूर के द्वारा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो 10 रोटी खाए और 11वीं रोटी खाए तो 11वीं रोटी से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम सीमांत बोलते हैं। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि उपभोक्ता का संतुलन वहां होगा जहां पर कि एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता और वाई वस्तु के अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता समान होगी, वहीं पे उपभोक्ता का संतुलन होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में। इसी को समसीमांत उपयोगिता इसे कहते क्या क्या हैं, इसी को तीन नाम से जाना जाता है। समसीमांत उपयोगिता का नियम, सम माने बराबर, समसीमांत उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का नियम, इसी को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। मतलब एक को कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाएंगे, प्रतिस्थापन हो गया। असम माने बराबर, दोनों के अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम, यही प्रश्न पूछा जाता है। और अगला इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। देखिए मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आता है, उससे बाहर कोई भी चर्चा नहीं होगी। गोसेन का प्रथम नियम, प्रथम नियम भी कहते हैं। तो यहां से जो आपके परीक्षा में आएगा इकोनॉमिक्स से, पहला प्रश्न ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये प्रश्नों को आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। यही बनता है आपका प्रश्न जो मैंने लिख दिया, इसी को ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे, ये तो रहा मार्शल का सिद्धांत, जो समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, यहाँ से इतने प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब हम आगे बात करेंगे अनधिमान वक्र की, जिसे हम तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो इसे आप बना लिए होंगे, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए ज़्यादा परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है बच्चों कि जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज़्यादा ये भी जान लेना जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। काम की चीज़ें पढ़ें, समय बहुत कम रहता है, ये बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़ेंगे। अब अगला जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे तटस्थता वक्र की। यहाँ से भी एक दो प्रश्न बनते हैं आपके। अनधिमान वक्र, अनाधिमान वक्र, इसी को या तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र, इसी को हम उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। और इसे दिया किसने है, इसका मान के नियम की व्याख्या में उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में
हिग्स प्लस एलन, हिग्स और एलन ने इसको दिया है, यही सीधा सीधा पूछ लेता है। मतलब तटस्था वक्र का मतलब दिए हुए दो संयोगों में उपभोक्ता तटस्थ होता है और वो निश्चित रूप से एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाएगा तो दूसरे वस्तु के उपभोग में कमी जरूर लाएगा। तटस्था वक्र का मतलब दिए हुए संयोगों में उपभोक्ता अपने आप को तटस्थ रखता है और वो एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो दूसरे वस्तु के उपभोग में निश्चित रूप से कमी लाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है और दूसरा वाई वस्तु है तो एक्स वस्तु है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से वाई वस्तु की इकाइयों में कमी लाएगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर इसकी इकाई बढ़ा रहा है, इसकी इकाई में वृद्धि कर रहा है तो निश्चित रूप से इसकी इकाई में वो कमी लाएगा। अब तटस्था वक्र के हम जो मान्यताओं के आधार पर या तटस्था वक्र के जो वक्रों से प्रश्न पूछता है उसको हम बात करेंगे। मैंने आपसे बताया तटस्था का मतलब कि उपभोक्ता दिए गए संयोगों में अपने आप को तटस्थ रखता है, अपने आप को स्थिर रखता है और उसी दिए हुए संयोगों में अपने आप को एक को बढ़ाता है तो एक को कम करता है। अब जैसे पहला दिए गया संयोग, जैसे वक्र से जो प्रश्न बनता है वाई ओ एक्स, अब मान लीजिए इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु है और इधर ये बढ़ाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब निश्चित रूप से एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाएगा, एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाएगा। आईसी कर्व मतलब यदि इसके उपभोग को बढ़ाता है, देखिए इसकी 6 का इतना प्रयोग कर रहा है तो इसकी इतना प्रयोग कर रहा है, ये घट गया तो ये बढ़ गया, एक घटेगा तो एक अवश्य बढ़ेगा, तो इसको कहेंगे ये जो वक्र है संतुष्टि का एक स्तर है, ये संतुष्टि का एक स्तर को व्यक्त करता है, स्तर को व्यक्त करता है। मतलब निश्चित रूप से यदि एक वाई वस्तु की इकाई बढ़ाएगा तो इसको घटाएगा और इसको घटाएगा तो इसको बढ़ाएगा, इसे क्या कहा जाएगा कि उपभोक्ता संतुष्टि के एक स्तर को व्यक्त करता है इस वक्र में। दूसरा, जैसे कोई भी अनधिमान वक्र अलग अलग अनधिमान वक्र अलग अलग संतुष्टि के स्तर को भी व्यक्त करता है, जैसे ये पहला डायग्राम है इसमें, दूसरा देखिए, अलग अलग वक्र अलग अलग अनधिमान वक्र संतुष्टि का अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है। IC1 IC2 IC3 IC4 ये अनधिमान वक्र अलग अलग संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। जब चार्ट में कई अनधिमान वक्र बने हों तो इसे अनधिमान चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनधिमान अनधिमान
चित्र बोलते हैं, मानचित्र, अनधिमान मानचित्र। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अगर कई, क्योंकि ये संतुष्टि के भिन्न अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है, संतुष्टि के, संतुष्टि का भिन्न स्तर को, भिन्न भिन्न स्तर को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, इसीलिए इसे अनधिमान मानचित्र कहा जाता है। तो पहला तो जो था संतुष्टि के विभिन्न स्तर को व्यक्त करता था, संतुष्टि का एक स्तर को, और ये जो वक्र है संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के स्तर को व्यक्त करता है, इसे अनधिमान मानचित्र बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए मार्शल ने जहां संतुष्टि को गणनावाचक माना था, वही हिक्स और एलन ने संतुष्टि को क्रमवाचक माना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्शल ने संतुष्टि को गणनावाचक माना था, वहीं पर हिक्स और एलन ने संतुष्टि को जो है क्रमवाचक माना है। हिक्स और एलन की पुस्तक भी कभी कभी पूछ लेता है वैल्यू एंड कैपिटल, ये प्रश्न आ चुका है कि वैल्यू एंड कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो हिक्स और एलन का। देखिए उदासीनता वक्र का यदि पूछा जाए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम तो आप एजवर्थ का नाम लेंगे, एजवर्थ। लेकिन पूछा जाए कि मांग के सिद्धांत में है उदासीनता वक्र का प्रयोग किसने किया, तो आप हिक्स और एलन का नाम लेंगे। इसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जो सबसे इसकी मान्यताएं हैं कि एक को यदि उदासीनता वक्र हमेशा ऐसे होता है और दूसरा, उदासीनता वक्र की बात करें तो उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ध्यान से समझिए, उदासीनता वक्र ऐसे नहीं हो सकता, उदासीनता वक्र कभी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उदासीनता वक्र में प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन तभी संभव है जब उदासीनता वक्र ऐसे होगा, इसमें प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। देखिए जिससे व्यक्ति, जिस वस्तु को कंज्यूमर त्याग करता है और उसके स्थान पे किसी अन्य वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, तो जिसका प्रतिस्थापन करेगा उसकी धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी, और जिसका त्याग करने लगेगा उसका धीरे धीरे प्रतिस्थापन जो होगा सीमांत उपयोगिता बढ़ने लगेगी। इसलिए ये तटस्थता वक्र इस तरह का नहीं होगा, हमेशा तटस्थता वक्र ऐसे ही होगा। हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है कि जिस इकाई को उपभोक्ता बढ़ाता है उसकी धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, और जिसका त्याग करता है उसका धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बढ़ने लगती है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें तटस्थता वक्र की जो मान्यताएं ली गई, क्योंकि कोई भी सिद्धांत अर्थशास्त्र में को निश्चित मान्यताओं पर आधारित होता है, तो तटस्थता वक्र की जो मान्यताएं हैं उसकी हम लोग पहले चर्चा कर लें, फिर उसके बाद आगे हम इसके बारे में बताते हैं। तटस्थता वक्र की जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं से बहुत प्रश्न पूछ लेता है, मान्यताओं से हमेशा प्रश्न बनाता है, मान्यताएं, मान्यताएं से हमेशा प्रश्न बनाता है। पहली इसकी जो मान्यता है, उपभोक्ता एक विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, उपभोक्ता
एक विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। पहली मानता कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण प्रणाली है और दूसरा क्रमबद्ध उपयोगिता की संकल्पना पर आधारित है। मतलब कि वो लगातार उपभोक्ता करता रहेगा, ये नहीं कि रुक रुक के अभी उपभोग करे फिर 10 घंटे बाद, ऐसा नहीं। जब वो लगातार उपभोग करेगा तभी यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हरा से नियम लागू होगा। क्रमबद्ध उपयोगिता की संकल्पना पर क्रमबद्ध उपयोगिता की संकल्पना पर उपयोगिता की संकल्पना पर आधारित है दूसरी मान्यता। तीसरी, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम लागू होता है, लागू होता है। और ये कमजोर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कमजोर मतलब वो तटस्थ होता है, जैसे विभिन्न संयोगों के बीच में वो तटस्थ होता है, चयन नहीं कर पाता। जैसे आगे हम सैमुएलसन ने बताया तो सैमुएलसन का सिद्धांत अलग है, वो मजबूत क्रम, ये कमजोर या दुर्लभ दुर्लभ क्रमबद्धता पर आधारित है, क्रमबद्धता पर आधारित है। कहने का मतलब वो चयन करने में असमर्थ होता है, दो संयोगों के बीच में अपने आप को तटस्थ रखता है, वो चयन नहीं कर पाता है कि किसी एक का चुन ले, इसलिए ये कमजोर या दुर्लभ क्रमबद्धता के सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें संतुष्टि का पूर्ण स्तर का ना होना, संतुष्टि के पूर्ण स्तर का ना होना ये आपकी मान्यताएं हैं, जिसमें ये मान्यताओं में सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता यही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अनधिमान वक्र की विशेषताएं हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ये रहा मान्यताएं, मान्यताओं में इसे आप याद रखना। अब हेडिंग बनाए अनधिमान वक्र की विशेषताएं, अनधिमान वक्र की विशेषताएं। पहली बात तो अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, पहली विशेषता। दूसरी, ये कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम लागू नहीं होता, और यहां पे देखिए लागू हो रहा है, सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम लागू हो रहा है, और यहां पे सीमांत उपयोगिता हरास्य नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए अनधिमान वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। पहली विशेषता, ऐसा अनधिमान वक्र नहीं होगा। परीक्षा में कभी कभी दे देता है ऐसे ही, और उसमें से आपको छांटना पड़ता है। ये हमेशा बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है, लेकिन एक दो स्थितियां अपवाद की हैं जहां पे अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर नहीं होता है,
वो दो स्थितियां कौन सी है? अपवाद है, पहला पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में। यहां पे ऐसा नहीं होगा मूल बिंदु की ओर, क्योंकि पूरी तरह से प्रतिस्थापन कर देगा। ये पूर्ण प्रतिस्थापन की वस्तु के संबंध में यहां पर जो एम आर एस जो होगा वो स्थिर होगा। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगा? स्थिर होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है एम आर एस एक्स वाई, ये पूछा जाता है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जहां अनधिमान वक्र का प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होगा, तो वो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर वो पूरी तरह से स्थिर होगा, क्योंकि पूरी तरह से प्रतिस्थापन कर देगा। इसलिए पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। अगला एक और है जो पूछा जाता है, पूरक वस्तु के संबंध में कैसा होगा? पूरक वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु तो आप समझ ही रहे हैं कि एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु को प्रतिस्थापन करना। पूर्ण पूरक वस्तु में, वस्तु में कैसा होगा? क्योंकि दोनों का संयोग एक मात्रा में ही इस्तेमाल होगा, इसलिए ये एल आकार का होगा। एल आकार का होगा क्योंकि दोनों का एक निश्चित संयोग होता है, ये एल आकार का होगा। और यहाँ पे जो प्रतिस्थापन की लोच है एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सी वस्तु में प्रतिस्थापन की सीमांत दर शून्य होगा, तो वो पूर्ण वस्तु, पूर्ण पूरक वस्तु के संबंध में, और प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में स्थिर होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर सामान्य वस्तु है, तीन चीजों यहाँ प्रश्न बनेगा। पहला, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तु में, प्रतिस्थापन वस्तु में स्थिर। दूसरा, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु में शून्य। तीसरा, सामान्य वस्तु में, सामान्य वस्तु में ह्रासमान। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट्स है परीक्षा के दृष्टि से, ये कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी की विशेषताओं में कि तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता। तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी, ये दोनों कंडीशन प्रतिस्थापन और पूरक के अपवाद स्वरूप होते हैं, आगे बात करेंगे। अनधिमान वक्र हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे, और ये एक दूसरे को काट नहीं सकते, ऐसा कभी अनधिमान वक्र नहीं होगा। अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। और अगली जो विशेषताएं हैं, ऊंचा अनधिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। ऊंचा अनधिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। ऊंचा अनधिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। यह ऊंचा है तो इस पे अधिक संतुष्टि होगी, ये अगली विशेषता है। तो ये हमने अनधिमान वक्र की पृष्ठभूमि बताई, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया, इसकी मान्यताओं के बारे में आज हमने चर्चा किया। अब अनधिमान वक्र की सहायता से
उपभोक्ता के व्यवहार की चर्चा हम कल करेंगे और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का कैसे संतुलन होता है। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।